चलें जी, ये देखें, यहाँ से वो हैंडल मैंने तोड़ा था, अगर आपको याद हो, पोस्टलीन के साथ, वो पुराने ओल्ड फैशन जो पेपर टॉवल लटकाने के लिए, जो उसको हैंडल ही कहेंगे क्या, हैंग पेपर टॉवल, हैंगर कह लो, या जो पेपर टॉवल नहीं, सॉरी, ये वॉशरूम का जो टॉवल है उसको लटकाने के लिए जो बड़ा, तो ये देख लें, अब फिनिशिंग आप देख लें, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि कोई चीज़। और यहाँ से मैंने बाथरूम से ये भी वही पोस्टलीन का पुराना यहाँ तोड़ा, उसके बाद अभी इसको क्योंकि एमरी पेपर लगा के पेंट कर दिया, करके खुश हो गया। अब मैं, ये लोग निकले हैं वाक पे, उज़ैर, लाइबा, आसफा, तो मैंने कहा जब तक ये कहें इनके आने से पहले पहले ये लगा दूँ। और ये है दे, फिर आप सब सब क्या, एक दो वैसे में ऐसे थे कि आप दिखाते नहीं, मैंने कहा चले ये भी, अब फिर वही सवाल होगा, लिए कहाँ से। तो ये आमतौर पर जितने भी ऑर्डर्स ज़्यादातर ये अमेज़ॉन से होते हैं, तो इसमें ऐसा पूछने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा आइटम हो जिसका मुझे पता नहीं होता, फिर मैंने वो पूछता, मुझे नहीं पता होता कहाँ से लिया, और कुछ पहले का लिया हुआ होता है, देखने वाले को लगता है कि नया है शायद, तो कहाँ से लिया याद भी नहीं होता। तो जो मुझे जितना पता होता है, अब जैसे ये है अमेज़ॉन से, तो मैं भी इंशाल्लाह ये दरवाज़ों के होके हैं कोई कपड़े उसके लटकाने के लिए, पैंट वगैरह, और ये उसके टॉयलेट रोल है, और वो ठीक है, मैं लगा के फिर दिखाऊंगा, बाकी क्या दिखाना। ये साथ ही देती है ये कंपनी, ये जो इवन इसको जो टाइट करने के लिए, ये देखें पीछे थोड़ा, तो इसको टाइट करने के लिए जो ये एलन की है वो भी साथ ही इन्होंने साथ दी है। मकसद मेरा कहने का कि अब मेरी कोशिश ये है कि एक तो किसी भी जगह पे आप लगा दें जहाँ नीचे स्टड, वो जो वर्टिकल लकड़ी का पीस जिसको स्टड कहते हैं, वो है या नहीं है, एक तो वो है। अब मेरी कोशिश ये है, ये पहले इस जगह पे लगा हुआ था यहाँ, तो बासवा कहती जहाँ पहले लगा था वहीं लगाना, फिर ये कहेंगे इस तरफ को हो गया उस तरफ हो गया। मेरा कहना ये है, मेरा समझ सोच ये है कि कम से कम एक साइड आपकी जो इसके पीछे स्टड होता है, जिसको हम वुड का वो कहते हैं, 2x4 वुड लगी थी, एक उसके ऊपर आ जाए तो ये ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। तो अब ये देखते हैं कि मुझे स्टड अगर तो उसी जगह पे जहां हमने पहले लगा था, तो ये समझ ले उस जगह पे लग गया, ठीक है। ये जमीन से 4 फुट से भी थोड़ा ज्यादा ही ऊंचा है, स्टैंडर्ड 4 फुट होता है, ये 4 से भी ज्यादा है। चलो नीचे कोई बास्केट वगैरह भी रखते हैं, उधर रखता है। तो अब मैं देखता हूँ कि स्टड मुझे कहाँ मिलता है। अगर इस तरफ से देखें तो ये जगह थी पहले, ये देखें, ये इलेक्ट्रिक वायर है यहाँ। अच्छा, हर चीज को ही देखना होता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक वायर का भी ये सिग्नल बताता है, और वैसे भी एक मरतबा फिर चेक करते हैं। ये देखें, अक्सर आसवा भी हंसती है, कहते ये समझ नहीं आती, जब स्टड, उससे स्टड फाइंडर से हमने उसका स्टड ढूंढ लिया। देखें स्टड तकरीबन ये 2x4 कहते हैं, 2 इंच, लेकिन वो 1.5 इंच चौड़ा होता है, 1.5 इंच, ठीक है। और यूं लगा हुआ नीचे से अप की तरफ, ऐसे ऐसे वर्टिकल लगा हुआ, अगर मैं इसको थोड़ा सा उस पर दिखा दूँ, यानी ऐसे लगा हुआ है ये, जैसे ये स्टड है मेरा, तो ऐसे। अब उस स्टड का, अब वो ये तो हमें पता 1.5 इंच, तो उसका सेंटर कैसे निकालना। अब वो जो जो है स्टड फाइंडर तो आपको बता रहा कि स्टड है, एक जगह से शुरू होता है, एक जगह से बंद होता है, लेकिन मैं स्टिल उसको डबल चेक के लिए उसका सेंटर ढूंढता हूँ। अब यहाँ लगाऊंगा तो ज़्यादा स्ट्रांग मुझे श्योर होगा कि जो स्क्रू में लगा रहा हूँ, वो जो लकड़ी है 1.5 इंच का मुंह है, उसका मत्था है, उसके ऊपर ये बिल्कुल सेंटर में लगेगा। तो इसीलिए ये कर लगाता हूँ। अब इसको मैं निकालूंगा, मुझे पता है इधर भी वुड थी जहाँ मैंने ये लगाया, ये भी वुड थी जहाँ मैंने लगाया, ठीक है। तो अब ये सेंटर वाली के ऊपर मैं इसका इसको लगाऊंगा, बस इतनी सी है, इससे मेक श्योर हो जाता है। अच्छा, अब निशान अगर आप इसको कलर से थोड़ा लगाना चाहें तब भी ठीक है, वरना इसका जो वो बेस है वो ये उसके नीचे दब जाने हैं, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये सेंटर में लगेगा, ठीक है। देखिए, साथ लेवलर भी दिया कि आपने एक स्क्रू लगाया, अब दूसरा ये जो ना इस तरफ या इस तरफ कहाँ, अब ये देखें बिल्कुल ये लेवल सेंटर शो कर रहा, और मैं इसी जगह पे इसको हिलने नहीं देना, और ये नीचे वाला स्क्रू ऐसे ये लगा देना है। अब ये देखें, अक्सर वैसे चलो जिनकी दिलचस्पी हो, देखें इसको मैंने लगा दिया, क्योंकि यहाँ स्टड लकड़ी थी, तो मुझे इसको एंकर कहते हैं, ये प्लास्टिक के जो, क्योंकि ये ड्राई वॉल तकरीबन आधा इंच रफली आप ले लें, इतनी मोटी होती है, अंदर से हालो है, तो वो ड्राई वॉल में स्क्रू नहीं रुकता, वो तो जाहिर है हिलेगा स्क्रू, और वो जगह तोड़ देगा, और खींचो तो निकल भी है, इसलिए ये ज़रूरी होते हैं एंकर लगाने। अब इनको मैंने ये इस अपना साइज बना के इसको ठोकूंगा, उसके अंदर पहले इसको लगा के, दोनों को लगा के फिर ऊपर वो लगाऊंगा और स्क्रू लगा दूंगा।
अदरवाइज उसकी मजबूती नहीं रहेगी। एंकर एंकर अक्सर मैं बात करता हूँ, अब इसके पीछे स्टड नहीं है, लकड़ी नहीं है, सिर्फ ड्राईवाल वहां से 16 इंच के फासले पे होती है। ये है जो स्टैंडर्ड है यहाँ का 16 इंच, तो 16 इंच यहाँ आएगा। ज़ाहिर है मेरा वो जो हैंडल है वो बड़ा है, तो उसका वो यहाँ आएगा और दूसरा 16 के बाद फिर मे भी यहाँ हो, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा था। भी चले जिनकी दिलचस्पी उनको पता हो। एक लगा चुका हूँ मैंने कहा दूसरा आप लोगों के सामने, इसकी शेप भी देखें, ये साइडों से ना उसको ग्रिप कर लेता अगर ये फोकस में कर पा रहा हूँ तो ड्राईवाल को। ये देखें ये एक साइड पे कॉलर सी बनी हुई है और उसके बाद इसमें आप स्क्रू लगाएंगे। तो एक एक हो गया था, ये दूसरा देखें आवाज भी उतारी के अंदर हाथ आई। अब इसको ये स्ट्रॉन्गली पकड़ेगा। अब आपको मैं वैसे ही सिंपली ये बता दूंगा, ये देखें अब इसके ऊपर ये रख के बस स्क्रू लगा देने हैं और उन दोनों का वो लेवल हो के और ये हैंडल वहां लग जाएगा। बस इतनी सी बात, फिर लगा के बताता हूँ आपसे। अच्छा जी, अब इसको बिल्कुल सेंटर करना है इसका। चलिए एक को थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि ये जंपे ना मारे इससे भी। मैं उसको टाइट नहीं करूंगा और उसके बाद उसको उसका लेवल देखते हैं। ये लॉक है ताकि ये उसको पकड़ ले और निकले ना। अब आना चाहिए इसको पूरा। माशाल्लाह अब ये सूरत है इसकी होगी। अब इसको आप इसको नीचे से इनको टाइट मैंने कर देना है एलन की से, और बस इसको मैं बंद करूंगा। चले जी मेरा ख्याल आखिरी राउंड है ये। चले बस चले जी, ये तो हो गया डन और जॉब अकम्पलिश्ड। ये लग गया जान छुट्टी यहाँ से एक। अब वो है टॉयलेट रोल को, उसको लगाते हैं। वैसे मेरे बस में हो तो मैं तो यहाँ अगर दो ताल टॉल लग रखे इसी के बराबर से एक और आगे, ऐसे इसके बराबर से एक और आगे लगा, दो लगा लो ताकि एक तौलिया अगर ज़्यादा गीला कभी हो दो तौलिया हो, एक शावर के लिए उसमें हो, एक नहाने मुँह वगैरह साफ करने के लिए सेपरेट हो। लेकिन चलो अगर कहेंगे तो फिर एक और रख करवा के बिल्कुल इसके बराबर में एक और लगा दो। ऐसे ज़्यादातर स्टैंडर्ड साइज लंबाई में इनके यही मिलता है, ये 2 फुट वाला मेरा 24 इंच। चलें जी मास्टर बेडरूम का पेपर टावल भी कह लें, ये शायद उसी के लिए है। ये डोर के ऊपर कपड़ों को हैंग करने के लिए, ये टॉयलेट रोल के लिए, और वो ये जो है अब ये आसान है प्योर गोल्ड में, क्योंकि इसका थीम इनका सारा गोल्ड था तो इसलिए उन्होंने ये गोल्ड में सारा मंगाया था। अभी ये लगाऊंगा टॉयलेट रोल भी बस करो खुल जाना तुम वॉक कर करके। ये देखे ये भी इधर लगाया टॉयलेट में, अभी रखा नहीं मैंने, देख लो पास कर लो ठीक है ना। जिस साइड पे पहले थे वही लगा दिए बस, उधर दूसरे वॉशरूम में भी इसी तरह लगाया उधर। ये अब ये पूरा गोल्ड टुगेदर। अच्छा अब है तो स्टूपिड सा क्वेश्चन है, तुम पहले भी तुमने मेरा ख्याल मना ही किया, इसको गोल्ड तो नहीं करना होता? नहीं व्हाइट, खुद तो तेरी अपनी टेक्नोलॉजी 2 मिनट चित के ट्रांसफर कर दी तो। अच्छा व्हाइट ही करना है ना आज white. इसको भी फाइनल करना बस या से फिर ये सारा सामान और मेहरबानी करके आई नो ये गुलदस्ता यहाँ से निकाल के फेंको जहाँ भी रखना है। आई नो जिधर देखो तुम्हारे की उनके गमले शमले पाए बस वेस्ट चीज। चलो बस हो गया, कैसे काम पकड़ा के ये छोड़ देना था। नहीं मैंने कहा क्या पता तुमने कहा यहाँ नहीं लगाने तो मैंने इसलिए नहीं लगाया। ना 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 मैं इतना काम नहीं छोड़ती, बच्चे काम पूरा नहीं होया आज। अब ये जो ई लोगा है मैं बता देता हूँ, पहले मैं काफी बना चुका हूँ वीडियो, इसी फासले पे लगाऊं? हाँ हाँ बस यहीं पे लगा दें। हाँ, वो छुप भी जाएगा और आपका और पेंट का भी वो नहीं। चलो बस उस वाले कमरे में वैसे का बाकी कुछ आए से तो शेयर। नाइस नाइस नाइस, कैमरा घुमा दूं, सब हो गए गोल 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 गोल। ये मैं बता चुका हूँ ये गोल्ड लग गया, ये भी गोल्ड लग गया। अब एक चीज मैंने अभी रियलाइज किया, नोट ये देखिए ये भी लग गया ठीक है।
अब देखते हैं कि मामा जायद वाइफ ये कब इसको नोटिस करती हैं कि एक्चुअली अब ये लॉक भी ये गोल्ड होना चाहिए था अंदर का, उस तरफ भी दो हिस्सों में भी हो सकता आ सकता, नहीं तो इसी को उतार के अंदर गोल्ड पेंट कर दे स्प्रे पेंट करके, तो ये फिर अंदर सारा ही गोल्ड बनता है। लेकिन मैं तो चुप्पी में, क्यों आप बैल मुझे बाहर, मैंने क्या क्यों बताना, देखते हैं कितने दिन ऐसे ही चलता है। जब बिल्कुल जिस दिन कहा मैंने कि नहीं वो गोल्ड हो रहा है, फिर उस दिन देखेंगे। तो ये तो आपके लोगों के नॉलेज में मैं ला रहा हूँ कि देखते हैं कब ये नोट करती है आसपा। तो बस शुक्र इस कमरे को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया, और ये डिब्बा भी अभी लेके उधर जाऊँगा, ये भी खाली है, ये तो बाकी तो चले ठीक है ना। तो गोल्ड गोल्ड हो गया, सिर्फ ये इसका भी मैं जाके स्प्रे पेंट करूँगा इनको वाइट, क्योंकि इनके हम कल ढूंढ गए, हमको वो साइड में प्रॉपर वो मिले नहीं, तो बस बेस्ट वे फिर ये है कि इसके ऊपर स्प्रे कर लें आप। तो थे लेकिन वो कुछ डिज़ाइन भी उनका डिफरेंट था जो मुझे वो पसंद भी नहीं आया, इससे तो मैंने अपनी ये पहले आ नहीं ठीक है, तो इनको स्प्रे पेंट वाइट करके फिर वो अलग। एक चीज़ और याद आई, ये देखें ये स्टील के लगे हुए, ये भी सेट मिलता है। मैं फिर वही बात है, मैंने तभी चुप ही रहना, भी थोड़ा देखते हैं कब तक ये भी गोल्ड होना चाहिए, और इधर से ये डोर का अंदर का ये भी गोल्ड होना चाहिए। तो चलो देखते हैं आसपा कब नोटिस करती है इन चीज़ों को और कब कहती है आसपा। देख अब देख आधा कम तेरा मैं फिनिश करके बैठा, तेरे को आज दो तिक्के नहीं बने हैं, दो तिक्के मैं तेज करने ही, कच्चे थे नहीं अंदर, कच्चे थोड़ा उन्होंने सही हो जाने नहीं, लग गए बड़े मॉइस्ट लगन डे। ਬਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੇਸਟ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ, ਖੁਦ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਹੋਗੀ ਲਿਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਅਲਵਾ ਅਭੀ ਕੱਚਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋੜੋ ਪਾਪਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈ ਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਕਰਦੀ ਨਾ चार तो इतने शुक्र है तुम्हें देखा रही है चार पॉइंट में चेंज करके हूँ इतने आया हवा चल रही है ना तो स्प्रे जरा उड़ता हुआ कहाँ कहाँ खराब किया ये बताया नहीं नहीं खराब कुछ भी नहीं इसके ऊपर ही जो कुछ हुआ वो तो स्प्रे आपका प्रॉपर पड़ेगा नहीं मैं इसलिए पहले वहाँ रखा फिर वहाँ रखा फिर उस जगह पर रखा फिर चार के बाद अब ये पाँचवीं जगह पर आया तो बस इसको मैंने वो करना है ताकि वाइट कलर अच्छा इसका भी मेथड है बहुत करीब करके करोगे डिप Make होने sure का स्टोन गंदा ना हो कौन सा स्टोन यार कमाल कर दी तुम्हें जो लैंडस्केपिंग किया हुआ वो खराब ना हो जाए चुप कर दो अभी बिस्मिल तू दूर रही आपके फोन पे ही स्प्रे ना आ जाए उड़ के नहीं ये हो गया यार तो ये तो आपको पहले करना चाहिए था नोबडी नो वो वाला मुझे पहले बताना चाहिए था आपने ओए अभी ज्यादा हो गया थोड़ा दूर हाथ रखो मैं तो दूर से ही बना रही हूँ ये स्प्रे ना कितनी होना चाहिए कितनी होना चाहिए बस हो गया ना नहीं Okay. आया, इतना मारेंगे तो जाहिर खत्म ही होगा मुंह की तरफ आया अभी वो हवा का रुख यूं आया चल वैसे मास्क पहनना चाहिए इसके लिए तो ठीक हो गया अच्छा लग गया ही नहीं लाइबा को नहीं, भी नहीं। नहीं। अब एक है कि इसके ऊपर चढ़ू तो सिर पाने डिगड़ा नहीं 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 इसके ऊपर नहीं चढ़ा उजैर या उसामा टॉल है ना ये नहीं जाला इसको ऐसे प्रेस करके ऊपर फंसाना है ओ चिमटा लाती हूँ वेट करें चिमटे से दबा के अंदर करना हेलो अकल बड़ी भैंस भैंस लाओ देखो लाओ चिमटा ले रहा हूँ मैंने चिमटा ला मेरे बगैर भी उसका था कम घट ही भाई तेरे मैं हम लोग कोई गल नहीं करना चाहता वीडियो बना रही तू तेरे बगैर तो बाकी कुछ भी नहीं सीधा सब कुछ तेरे होने तो बाद ही हुआ है लेकिन सवाल सिर्फ है कि ये इलेक्ट्रिक का तो कोई इशू नहीं है मैकेनिकल लेकिन सब इसको ये प्रेस करना थोड़ा सा हार्ड है ये जैसे इसको मैंने ये प्रेस किया इतना करना है नहीं आसमान ये नहीं करेगा इतना नहीं करेगा चल जो देखते हैं
मेरा ख्याल तो होना चाहिए, नहीं तो मैं स्टील वाला लाती हूँ, बारबेक्यू वाला लाऊं। ना ना नहीं, असल में ये मेरी हाइट जो है ना, ये थोड़ा सा 8-10 इंच ऊंचा चाहिए था, फिर वैसे okay, छोड़ दे, कल उजैर से करवाएंगे। लाइबा ने तो ऑफर की है कि वो कंधे पे उठा ले पापा को, अब ये यहाँ से फिंगरों से आप चले आ जाए, मुझे करने दो फिर देखते ये। अच्छा मुझे रोशनी दो, मैं कहता हूँ अगर मुझे रोशनी फोन दो फिर देखो कैसे लगा था। चलो कचरा तो पापा ने साफ किया, ऊपर होना नहीं चाहिए। ओ आई लाइसेस होगा, गुड जॉब जाएगा, चलो टीम वर्क हो गया। फिर अक्ल बड़ी की भैंस, लाइबा ने आइडिया देता इंजीनियरिंग फेल हो गई, फिर उधर पहले लगा लो तू मेरी इंजीनियरिंग के पीछे पड़ी है पहले। एक ही बंदा घर में पढ़ा लिखा है और वो भी बस तुम हर वक्त तुम उसको क्रिटिसाइज करती हो लाइबा, हर वक्त लुक सो नाइस। देखो व्हाइट कलर देखो कितना अच्छा हो गया ऊपर, तीनों दोनों वो मैंने खुद ने लगाए, ये थोड़ा सा हाइट इसकी ज्यादा थी। दैट्स नाइस। चलो